न्यू ईयर में भैया ने दिल बड़ा कर दिया, 250 रुपए में अनलिमिटेड जितना खा सकते हो खाओ। इट्स अ गुड ऑफर। अरे भैया बाहर खड़े क्यों खा रहे हो? अरे भैया क्या करें, अंदर भीड़ इतनी है, हम क्या कर सकते हैं यार, बाहर आके खाओ, अपना ऑफर ना खत्म हो जाए ना। अरे वाह वाह वाह, इतनी भीड़ लगी भाई, ऑफर ना खत्म हो जाए इसलिए लोग बाहर ही बैठ के, देखो बाहर ही खड़े होकर खा रहे हैं। इतने अच्छे प्राइस है कि मतलब मिस नहीं कर सकता था मैं। डिस्काउंट्स भी अलग से मिलते हैं, लाइक अगर आप कॉलेज आई कार्ड्स लाते हैं तो अलग अलग डिस्काउंट्स हैं अलग अलग ईयर्स के लिए। ट्रैवलिंग यूडी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज हम आए हैं कमला नगर में। कमला नगर का जो मेन मार्केट है मैकडोनल्ड्स बिल्कुल राइट साइड में ही है, और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा सा कैफ़े बना हुआ है जिसका नाम है दिले बॉलीवुड। और दिले बॉलीवुड के जो ऑनर भैया हैं वो हमारे बिल्कुल पास साथ में ही है यहाँ पे। तो हेलो भैया। हाय। हेलो। हेलो भैया। हेलो सर। तो क्या नाम है आपका? सर मेरा तेजस। तेजस। और आपका? अरुण। अरुण। तो कैसे आपने ये कैफ़े का मतलब सोचा और कैसे खोला हुआ है, किस टाइप का? कैफ़े बेसिकली हमारा लाइक फास्ट फूड से रिलेटेड है। आजकल क्या होता है कि फास्ट फूड के अंदर हम हर जगह मैदा वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हर जगह पे मैदा ही मिलता मैदा है ही। बट हमारा जो कॉन्सेप्ट है हमारा है कि हम मैदा को थोड़ा सा बॉयकॉट करके, लाइक मैदा को हम पूरी तरह से तो नहीं कर सकते, बट मैदा को थोड़ा सा लोअर करके उसके अंदर हम जितना लेस यूज हो सके। तो हमने व्हीट और मल्टीग्रेन के अंदर अपना जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट किया है। क्योंकि मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने जो अभी यहाँ पे फील किया, काफ़ी कस्टमर्स वगैरह बैठे हुए थे, तो यहाँ पे ना रेगुलर कस्टमर्स ज़्यादा हैं क्योंकि कॉलेज के बॉयज़ एंड गर्ल्स यहाँ पे पीजी के अंदर बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो मतलब मैंने एक दो कस्टमर से वैसी जनरल बात हुई मेरी, तो बोले हम तो दिन रात यहीं पर खाते हैं। तो ये एक अच्छी बात लगी, मुझे नहीं पता था ये ज़्यादातर मैदे का कम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जिसने रेगुलर खाना है अगर आप उसको एक हाइजीन फूड और एक क्वालिटी ऑफ फूड नहीं दोगे और डेली अगर वो मैदा खाएगा तो मेरे ख्याल से बच्चे तो यहाँ पे फुल मोटिव होकर जाएंगे। वो बेसिक इसके पीछे बेसिकली एक स्टोरी है, बट वो है कि थोड़ा वो इमोशनल स्टोरी हो जाएगी तो वो अभी हम थोड़ा रहने देते हैं। छोटा सा बात कैसे? वो बेसिकली क्या था कि मेरी एक कजन थी, तो आपको पता है कि आजकल मोमोज का और इन सब चीजों का बहुत ज्यादा ट्रेंड है, बहुत ज्यादा। हाँ, तो उसने यही किया कि मैगी मोमोज ये सब बहुत ज्यादा इनहेल कर करके खा खा करके मतलब उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई, तो इवेंचुअली लास्ट में शी डाइड। तो मेरा तो एक वैसे ही था कि मतलब हमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट खोलना है या रेस्टोरेंट खोलना है, बट मैंने कंसिडर ये किया कि मतलब हम मैदा को तो बॉयकॉट कर ही सकते हैं ना, मतलब जितना कम से कम कर सकते हैं। हम फास्ट फूड खा रहे हैं कोई बात नहीं, बट ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ ओनर, एज अ रेस्टोरेंट ओनर। जंक फूड के अंदर ना जंक फूड सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और मैंने देखा यार आजकल के जो थोड़े यंग जनरेशन है ना, मतलब बींग अ पेरेंट्स आल्सो, अगर उनको जितना मर्जी समझाओ बट वो स्टिल उनको मज़ा इसी चीज़ में आता है। मतलब मैंने ये तक देखा है कि आजकल के बच्चों को ना मतलब रोटी एक बार को तीन बार बोल के खाते हैं, बट जंक फूड वो खुद ही प्रेफर करते हैं मिल जाए उन्हें कहीं से। हाँ। और मोमोज का तो पता नहीं एक ऐसा ट्रेंड सा आया मार्केट के अंदर, मतलब हर बंदा चलते फिरते पहले समोसे हमारे टाइम पे बिका करते थे, अब मोमोज बिकने लग गए। इट्स ओके, बेसिकली क्या है कि मैदा भी ठीक है बट एक लिमिट के अंदर उसे कंज्यूम करना चाहिए। अब हर जगह पे हर नुक्कड़ पे मोमोज मतलब हर मतलब बहुत ज्यादा हो गया, कितना हार्मफुल है, बहुत ज्यादा हार्मफुल है, बहुत ही ज्यादा। और ये देख लो यार, बीइंग अ फूड ओनर होते हुए, फूड का रेस्टोरेंट है भैया का, स्टिल ही सेइंग कि मैदा काफी हानिकारक है आपके। ये तो हमें डॉक्टर्स भी बोलते हैं बट हम समझ नहीं पाते उनकी बातों को, क्योंकि अभी हमें टेस्ट लग रहा है, जब तक जैसे समझते हैं शायद तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है, बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। तो वही है, जिसपे बीतते भाई वही पता होता है। और भैया तो यहाँ पे भैया से मेरी बात हुई थी, तो भैया यहाँ पे हमारे जो भी कोड बताता है अगर ट्रैवलिंग यूडी का, तो ट्रैवलिंग यूडी के कोड पे 249 में अनलिमिटेड खाना देंगे, अनलिमिटेड। अब भैया अनलिमिटेड के बारे में बताएंगे कि क्या क्या अनलिमिटेड देंगे उसमें। अनलिमिटेड के अंदर अपना लाइक अभी मैं आपके लिए प्रिपेयर करवा रहा हूँ, एक पास्ता, एक पिज्जा, एक बर्गर, एक सैंडविच और एक आइस टी। या ये सारा कुछ 249 में दे दोगे आप? इसके लिए बेसिकली ये है कि आपको इसमें अभी तो मैं आपके लिए वैसे लगवा देता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं थोड़ी सी। वो ये है कि आपको 1x1 ऑर्डर करना होगा। वंस फर्स्ट ऑर्डर जब आपके टेबल पे सर्व हो जाएगा तब आपका टाइम स्टार्ट रहेगा, और टाइम इसका 1 आवर का रहेगा। 249 पर पर्सन है पहली बात, और दूसरी बात भैया की बहुत अच्छी लगी कि पहले आप अपना एक ऑर्डर फिनिश कर लीजिए, और जैसे ही आपका फर्स्ट ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा तब आप सेकंड ऑर्डर या फिनिश होने वाला हो होने तब वाला होगा, तब आप ऑर्डर कर सकते हैं। बेसिकली हम फूड वेस्टेज नहीं चाहते, और हम ये नहीं चाहते कि इस और इसका जो भी है इसका मतलब मिस यूज ना हो। और ये टेक अवे में नहीं है बिल्कुल भी, जो भी आप ऑर्डर कर रहे हो आप यहीं खा के जा रहे हो, और अगर आपने वेस्टेज करी तो भैया उसमें फाइन भी डालेंगे। फाइन बेसिकली ये है कि जैसे कि आपने एक पिज्जा और एक आइस टी ऑर्डर किया वो आपने खा लिया, उसके बाद एक बर्गर आपने ऑर्डर किया वो भी आपने खा लिया, बट थर्ड ऑर्डर में या फोर्थ ऑर्डर में, फिफ्थ ऑर्डर में, सिक्स्थ ऑर्डर में कभी भी लाइक आपका कुछ भी ऐसा ऑर्डर होता है, बेसिकली मान लीजिए कि आपने कोई सैंडविच था
तो आपका वो 7th ऑर्डर था बट वो आप नहीं खा पाए, तो जो उस आइटम की जो कॉस्ट रहेगी मेन्यू के अंदर वो आपको अलग से मेरे को पे करनी होगी। बहुत जस्टिफाइड है यार, बहुत जस्टिफाइड है, मतलब 249 वैसे ही अपने आप में भैया अच्छी डील दे रहे हैं। और वैसे आप दोनों फ्रेंड्स हो क्या? हो नहीं, फ्रेंड्स ही है। अच्छा, फ्रेंड्स हो तो इकट्ठे ही, मतलब अब काम शुरू किया। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसा रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है भैया? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। कोई कमना नगर की ये जो मार्केट है ना, और ये जो स्पेशली जिस जगह पे आपने इन्होंने खोला है, यहाँ पे तो मतलब मेरे ख्याल से रात को 2-2 बजे तक भीड़ रुकती ही नहीं है और सबको खाने को बढ़िया से बढ़िया चाहिए। तो मैंने भैया के प्राइजेस भी देखे, प्राइजेस आर वेरी इकोनॉमिकल, इतने कोई हाई प्राइजेस भी नहीं है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आओ। और बाकी अब हम मेकिंग दिखा रहे हैं भैया की, मेकिंग यहाँ पे जो फूड बना रहे हैं उसकी मेकिंग दिखाएंगे, रिव्यू करेंगे ऑनेस्टली कि क्या ये डील में टेस्ट है कि नहीं है। टेस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है, डील तो एक बार को हो या ना हो। चलिए तो दोस्तों, एक आपको कैफ़े की मैं थोड़ी सी लुक एंड फील दे देता हूँ। काफ़ी अच्छे, मतलब रिव्यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो वॉल पे कितने सारे लोगों ने रिव्यूज़ दिए हुए हैं। और मतलब मैं अगर आपको क्लोज से दिखाऊँ तो परफेक्ट प्लेस फॉर फूडीज है। और भी बहुत सारे लोगों ने लिखा हुआ है, फ्राइज आर सो डिलीशियस, द फ्राइज वर टू गुड। मतलब तो ये क्या लगा रहे हो भैया? मैंने सर ये मीटबॉल पिज़्ज़ा है आपका। मैंने वैसे नॉर्मली पिज़्ज़ा में इस टाइप की ब्रेड्स नहीं देखी हैं, मोस्टली इवन डोमिनोज तक मैदे की ब्रेड यूज़ करते हैं। बट देखिए इनका काफ़ी डिफरेंट कंसेप्ट है, और ये इसके ऊपर चीज़ आ गया। हाँ जी सर। भैया एक बार बताना इसका इंडिविजुअल प्राइस क्या रहता है? अगर सर अराउंड 190 रहेगा। सर मैं बना रहा हूँ आपके लिए अवारा सैंडविच, जिसके अंदर हमारे सारे वेजिटेबल्स रहेंगी, और जो हमारी ब्रेड है वो भी मल्टीग्रेन बेसिस पर रहेगी। ये डील में अवेलेबल है ना? ये डील में अवेलेबल है दोस्तों, आप डील के हिसाब से कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, बट कंडीशन ये है कि आपको पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, तब आप नेक्स्ट ऑर्डर कर सकते हैं। डील इज 249 में अनलिमिटेड, एक खाओ, दो खाओ, चार खाओ, पांच खाओ, जितना मर्जी खाओ। दीक्षा। आपको? निशा। तो आप लोग नॉर्मली यहाँ पे आते रहते हो? डेली। डेली क्या बात कर रहे हो? डेली सही में, डेली बगल में पीजी है ना हमारी। तो आप कौन से कॉलेज में आते? मिरांडा रामदस। तो नॉर्मली आप कैसे, यहाँ का खाना कैसे है? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी, मतलब आप देख सकते हैं रिव्यूज। हाँ, मैंने वो ऑलरेडी दिखाए भी हैं, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी अपने अभी काफ़ी सारे रिव्यूज यहाँ पे लिखे भी हुए हैं। और भैया ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे ये लोग ना मैदे का इस्तेमाल कम करते हैं, क्योंकि रेगुलर कस्टमर ज्यादा है। सर आप देख सकते हैं ये ब्राउन ब्रेड है, मल्टीग्रेन ब्रेड्स हैं, इनफैक्ट पिज्जा के बेस भी मल्टीग्रेन बेसिस है, मैदे का इस्तेमाल बहुत कम है, क्योंकि अगर रेगुलर बेसिस पे खाना है तो ऑब्वियसली अच्छा फूड नहीं होगा तो मजा नहीं आएगा। एंड सर मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली भी है ये प्लेस, मतलब डिस्काउंट्स भी अलग से मिलते हैं, लाइक अगर आप कॉलेज आई कार्ड्स लाते हैं तो अलग अलग डिस्काउंट्स हैं अलग अलग ईयर्स के लिए। और मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, इन्होंने हमारा अगर चैनल का नाम है ट्रैवलिंग यूडी, अगर उसका अगर आप कोड देते हो तो ये आपको 249 के अंदर अनलिमिटेड फूड देंगे फॉर अ 1 आवर, एक घंटे में आप जो खाना चाहो खा सकते हो इन 249 ओनली। तो ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। यस सर, मतलब रेगुलर कस्टमर्स हैं हमारे लिए अच्छा है। बैड डील, मतलब 249 में आप जितना मर्जी खाओ। और एंड शायद एक ड्रिंक भी अलाउड है ना? एक ड्रिंक भी अलाउड है, जो कि ये अभी आई भी हुई है आईसी। यस, तो ड्रिंक भी अलाउड है, सो इज इट अ गुड ऑफर? ऑफ कोर्स इट्स अ गुड ऑफर। सस्ते में अच्छा खाना मिले तो बुरा थोड़ी लगता है, अच्छा ही लगता है, कौन नहीं खाएगा। तो चलिए बाकी आप एंजॉय कीजिए अपना फूड। भाई अपनी ना डील की प्लेट लग चुकी है पूरी की पूरी, आप जैसा कि देख सकते हो पास्ता है, ये फ्रेंच फ्राइज है, सैंडविचेस हैं, और इसका नाम भैया ने बताया है कम्बक्ते इश्क बर्गर। और एक मैं आपको पिज़्ज़ा दिखाता हूँ, सूर्यवंशम पिज़्ज़ा, मतलब मीट बॉल पिज़्ज़ा है, मतलब देख के भी रुका जा रहा। मैंने तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले ही प्राइस तो आधे ख़त्म कर दिए मैंने, मतलब इतने टेस्टी हैं, एवरी स्नैक इज़ वेरी गुड। तो अब सबसे पहले तो भाई मैं इनका ये कम्बक्ते इश्क बर्गर ट्राई करता हूँ, जो कि साइज़ में भी अच्छा खासा है, और अब जैसे आपने मेकिंग भी देखी थी इसकी, तो टेस्ट करते हैं। मैं तो चिकन की काफ़ी अच्छी थिक लेयर वाली टिक्की लगी हुई है इसके अंदर। मज़ेदार है भाई, मतलब अगर आप नॉर्मल जैसे पिज़्ज़ा वगैरह की जगहों से सबसे बोर हो गए तो आई थिंक बेस्ट है। और अब मैं इनका ट्राई करता हूँ, ये सूर्यवंशम पिज़्ज़ा, तो आप देख सकते हो देखने में इतना यम्मी लग रहा है, फुल चीज़ से भरा हुआ है। यार अगर आप लोग डोमिनोज वगैरह के पिज़्ज़ा से बोर हो गए ना, आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू हैव स्नैक्स।
हाईली कमेंडेबल, मज़ा आ गया, मज़ा। अभी ये भाई सारा कुछ ख़त्म करना, तो वीडियो से बाय बाय लेते हैं। आना 249 में ही, आपको मुझे नहीं लगता कि इससे बेटर डील कोई भी दे सकता है यहाँ पे। लोकेशन क्या बताइए आपकी? लोकेशन मेरी कमला नगर रहेगी, मेरे जस्ट पीछे मैकडोनल्ड है। मैकडोनल्ड के पास आप आके लोकेशन पूछ सकते हैं, या आप किसी से पूछ सकते हैं, दिल्ली बॉलीवुड और ज्ञानी के अपोजिट रहेगा। और कितना पुराना है आपका आउटलेट? जैसे आउटलेट को सर ऑलमोस्ट 9 मंथ हो चुके हमारे। दोस्तों जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।